खबरों में बात करते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा की, जहां पर लग्जरी मिनी ट्रेवल बस से 100 पेटी अंग्रेजी शराब सहित एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रफीक पठान हमारे संवाददाता भीलवाड़ा से लाइव जुड़ चुके हैं। रफीक, ये शराब तस्कर शराब कहां से लेकर आए थे और कहां लेकर जा रहे थे? सर, ये खबर पंजाब हरियाणा से लेके आए थे और गुजरात ले जा रहे थे, क्योंकि सर गुजरात के अंदर शराब के ऊपर बैन है और भीलवाड़ा सबसे बढ़िया एरिया है इनको तस्करी करने के लिए, क्योंकि ये राजस्थान का पंजाब और हरियाणा के बिल्कुल अटैच में है और इस साइड में गुजरात है। रफीक, शराब की कीमत कितनी बताई जा रही है? शराब की कीमत सर लाखों में बताई जा रही है, क्योंकि 100 पेटियां शराब की पकड़ी थी और यहाँ आए दिन हर 5-7 दिन में यहाँ शराब पकड़ी जाती है, क्योंकि यह नेशनल हाईवे है जो पंजाब को गुजरात को सीधा राजस्थान के बीच में भीलवाड़ा आके जोड़ता है सर, और यहाँ आए दिन इसमें सैकड़ों कार्रवाई अभी तक हो चुकी है। रफीक, क्या पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी शराब के बारे में? जी, ये क्या पुलिस मुखबिर द्वारा, अपने मुखबिर तंत्र यहाँ का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यह मुखबिर द्वारा सूचना दी जाती है और इनका परिवहन तस्करी करने का तरीका भी कुछ और है, कभी चॉकलेट की बिल्टी पे, कभी किस पे, कभी फल फ्रूट में, इस तरह से ये तस्करी करते हैं। ये तस्करी जब पकड़े जाते हैं तो जब इनसे पूछताछ की जाती है तो इनको सिर्फ इतना ही पता होता है कि इनको केवल राजस्थान बॉर्डर से पकड़ाई जाती है गाड़ी और ये बांसवाड़ा डूंगरपुर बॉर्डर तक छोड़ देते हैं, इनको आगे पता नहीं होता कि कहाँ जाएगी क्या जाएगी। शुक्रिया रफीक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बात करते हैं राजस्थान के डिडवाना के, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उगरपुरा में नवंबर माह मनाया गया, जहां पर नवंबर माह में जन्म लेने वाले 35 विद्यार्थियों का सामूहिक जन्मोत्सव उत्साह प्रार्थना सत्र में मनाया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए डिडवाना से हमारे संवाददाता दिनेश कड़वा लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, इस सामूहिक जन्म उत्सव में क्या कुछ खास रहा, इस पर क्या कहेंगे आप? शिक्षा नगरी कुचामन माना जाता है और शिक्षा नगरी में पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है कि शिक्षा का जो स्तर है वो पूरे राजस्थान में कोटा और सीकर के बाद बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही देखिए तो जो सरकारी शिक्षण संस्थान है इसमें भी शिक्षा को लेकर आज शिक्षक बहुत ही बच्चों को जागरूकता पैदा करने के लिए एक अलग मुहिम चलाई है। जैसे कल नेहरू जयंती थी, नेहरू जयंती पर यहाँ कुचामन शहर के सरकारी विद्यालय में बाल दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को मनाया गया। साथ ही देखा जाए तो कुचामन शहर की जो राजकीय उच्च माध्यमिक उगरपुरा है उसके जो विद्यार्थी है, उन जो विद्यार्थी जिनका जन्म दिवस नवंबर माह में था, उनका ये एक मुख्य आकर्षण कह सकते हैं कि उनका सामूहिक एक जन्मदिवस मनाया गया। विद्यालय परिवार द्वारा मंत्रोपचार के साथ उनकी तिलक लगाकर पुष्प वर्षा की गई, जो हम कह सकते हैं कि ये मुख्य आकर्षण का केंद्र था बाल दिवस पर। शुक्रिया दिनेश जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।